नमस्कार, मैं अपर्णा रांगड़ और आज तक डिजिटल पर आपका स्वागत है। शिवरात्रि महापर्व के मौके पर आज मैं आपको ले चलूंगी काशी दर्शन पर। आप सोच रहे होंगे कि हम भगवान भोले का वास माने जाने वाले वाराणसी की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं। यूं तो भारत में 6 काशी है, पर आज मैं आपको उन 2 काशी की यात्रा पर लेकर जाऊंगी जो मौजूद है देवभूमि उत्तराखंड में, जिनका नाम तो आपने सुना होगा लेकिन शायद ये नहीं मालूम होगा कि भगवान शिव के संदर्भ में इन दोनों जगहों की मान्यता क्या है। हिमालय की गोद में बसे उत्तरकाशी को भगवान शिव का कलयुग का दूसरा निवास माना जाता है और इसी कारण यहाँ भी काशी विश्वनाथ मंदिर मौजूद है। मंदिर के महंत अजयपुरी ने आज तक से बातचीत में बताया कि स्कंद पुराण के केदार खंड में इसका उल्लेख किया गया है। ऐसा कहा गया है कि जब कलयुग आएगा तब वाराणसी पर संकट आएगा। ऐसा होने पर भगवान शंकर ने अपना स्थान उत्तरकाशी को चुना है, जिसके बाद यहाँ के शिवलिंग को 80 और वरुणा नदी के स्थल उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिस वजह से इसे कलयुग का काशी भी कहा गया और इसी वजह से माना जाता है कि यहाँ के दर्शन वाराणसी के काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के समान ही फलदायी और मंगलकारी है। मंदिर की बात करें तो इसकी नींव भगवान परशुराम ने रखी थी, जिसके बाद समय समय पर इसका जीर्णोद्धार किया जाता रहा। उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर को एक और वजह भी खास बनाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ का शिवलिंग दक्षिण की ओर झुका हुआ है और यह देश का इकलौता ऐसा शिवलिंग है जो दक्षिणावर्त है। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि मार्कंडेय को अल्पायु का श्राप मिला था। जब वह 16 साल के हुए तो उनके पिता परेशान रहने लगे। जब मार्कंडेय ने वजह पूछी तो पिता मार्कंडू ने बताया कि भगवान शंकर ने तुम्हें मात्र 16 वर्ष की आयु दी है और यह पूर्ण होने वाली है। यह सुनकर ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि मैं शंकर जी को मना लूंगा और अपनी मृत्यु को टाल दूंगा। इसके बाद वह घर से दूर एक जंगल में चले गए। वहाँ एक शिवलिंग स्थापित कर उसकी विधिवत उपासना करने लगे। निश्चित समय आने पर मृत्यु के देवता यमराज ऋषि मार्कंडेय को लेने पहुँचे तो उन्होंने जाने से मना कर दिया और वह शिवलिंग से लिपट गए। कहते हैं कि शिवलिंग पर जोर पड़ने के कारण ही काशी विश्वनाथ मंदिर का शिवलिंग दक्षिण की ओर झुक गया। तभी भगवान शिव वहाँ स्वयं प्रकट हुए और यमराज को खाली हाथ लौटा दिया। उसके बाद मृत्यु के देवता शिव जी की आज्ञा पाकर वहाँ से चले गए। अब बात करते हैं उत्तराखंड की दूसरी काशी की, जिसे गुप्त काशी कहते हैं। इसका नाम गुप्त काशी पड़ने की भी एक दिलचस्प कहानी है, जिसका संबंध महाभारत काल से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कौरवों और पांडवों में जब युद्ध हुआ तो पांडवों ने कई व्यक्तियों और अपने भाइयों का भी वध कर दिया। इसी कारण भोलेनाथ पांडवों से नाराज हो गए थे। दोषों से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव के दर्शन और माफी मांगने के लिए निकल पड़े। इधर भगवान शिव पांडवों से छिपते छिपाते हिमालय की ओर निकल गए और चलते चलते केदार घाटी पहुँचे। हिमालय के इसी स्थान पर ध्यान करने लगे। जब भगवान को पता चला कि पांडव इसी स्थान पर आ रहे हैं तो वह नंदी का रूप धारण कर अंतर्धान्य हो गए, या यूं कहें कि गुप्त हो गए। इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा गुप्त काशी। तो ये थी उत्तराखंड की 2 काशियों की कहानी। भोले के शिवालयों पर कैसी लगी है हमारी पेशकश, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक डिजिटल।